नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि कुछ मिस ना हो। तो चलिए आज हम बनाएंगे हैदराबादी पनीर। तो इसके लिए मैंने पनीर ले लिया है और ये पनीर 300 ग्राम है। तो चलिए पनीर को अच्छे से धो के रख देते हैं। और तब तक मैंने तेल गर्म होने रख दिया है। अच्छा सा तेल गर्म हो चुका है। तो जो ये मैंने प्याज लिए हैं मसाला बनाने के लिए, 5 प्याज है, अदरक है, लहसुन है, हरी मिर्च है। और हरी मिर्च में मैंने चीरा लगा लिया है बीच में से, ताकि तेल में डालने से हरी मिर्च फटे ना। तो ये पहले प्याज को हम भून लेते हैं तेल में कलर आने तक। तो चलिए बढ़िया सा प्याज भून चुका है। और अब डाल देंगे इसमें अदरक और लहसुन। हरी मिर्च को हम बाद में डालेंगे। तो चलिए प्याज लहसुन को भी थोड़ा सा और भून लेते हैं। तो चलिए बढ़िया से भून चुके हैं तीनों चीज़ें। अब लास्ट में डालते हैं हरी मिर्च। थोड़ा सा हरी मिर्च को भी भून लेंगे। और सारी चीज़ें अच्छे से भून चुकी हैं तो इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो चलिए ये प्लेट में निकाल लिया तो इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और तब तक ये जो पनीर है हमारे पास, तो इसके हम कर लेंगे 2 टुकड़े बड़े बड़े। आप चाहें तो इतना बड़ा भी फ्राई कर सकते हो, भून सकते हो। मैंने इसके 2 टुकड़े कर लिए हैं। तो चलिए इसको भी, पनीर को भी अच्छे से भून लेते हैं तेल में। बढ़िया सा कलर आ गया है पनीर में। तो इसको अलट पलट करके एक तरफ और अच्छे से सेक लेते हैं। तो चलिए बढ़िया सा भून चुका है पनीर। तो इसको भी मैंने प्लेट में निकाल लिया है। इसको भी ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक जो हमने जो प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च जो ठंडे होने के लिए रखी थी, वो मिक्सी में डाल के पीस लेते हैं। और ये पुदीना है और ये धनिया है, ये बराबर है। आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। तो चलिए प्याज ये डाल दी है मैंने मिक्सी में मसाले को। और ये डाल दिया है पुदीना और उसी के साथ डाल देते हैं धनिया। और थोड़ा सा पानी डाल के बढ़िया सा एक पेस्ट बना लेते हैं सारी चीज़ों का। चलिए सारी चीज़ें पिस चुकी हैं तो इसको निकाल लेती हूँ एक बर्तन में। ये देखिए अभी मसाला बहुत गाढ़ा है ये। तो चलिए निकाल लिया है। और अब इसमें डाल देंगे, ये जार में दही डाल देंगे इसमें 250 ग्राम। और दही को भी फेंट लेंगे मिक्सी में एक बार। चलिए दही थोड़ा सा डाल दिया है पानी और ये फेंट लिया है दही को भी मैंने। और ये भी उसी जार में डाल देते हैं जिसमें हमने मसाला डाला है। और इसको डालने के बाद एक बार चम्मच से अच्छे से मिला लेंगे ये। तो चलिए मिला लिया है। और ये जो तेल है इसको मैंने जितना हमें चाहिए उतना ले लिया है। ये ले लिए हैं साबुत मसाले, जीरा ले लिया है, लाल मिर्च ले ली है, लौंग ले ली है, ये बड़ी इलायची है, ये छोटी इलायची, और ये ले ली है काली मिर्च, ये दालचीनी। तो चलिए मसाले को तेल में डाल देते हैं चटकने तक। भून लेते हैं मसाले को। अच्छा मसाला चटक चुका है तो इसमें डाल देंगे ये जो हमने पेस्ट बना के रखा था प्याज का वो। और इसको अच्छे से भून लेते हैं। और अब ढक्कन लगा के भून लूँगी मैं इसको, ताकि ये उछल उछलता है तो जलने का डर रहता है। तो चलिए ढक्कन लगा के कम से कम 10 मिनट मैंने इसका अच्छा सा पानी जला दिया है मसाले का। और बढ़िया सूख चुका है पानी सारा। और बीच बीच में मैंने चला भी दिया था इसको। और अब डाल देते हैं इसमें पिसे हुए मसाले। तो चलिए इसमें डाल देते हैं पहले हल्दी। और ये डाल देंगे 1 चम्मच के लगभग पिसा हुआ धनिया। और ये डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। और ये डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर। और ये भुना हुआ जीरे का पाउडर। और ये डाल दिया है गरम मसाला। अच्छे से मिला लेते हैं मसाले को और जो तेल नज़र आ रहा है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए अच्छा सा मसाला भी भुन चुका है तो इसमें डाल देंगे, ये जार धो के मैंने पानी डाल दिया है। और एक बार मसाले को और अच्छे से भून लेती हूँ। और मसाले में तेल ऊपर आ चुका है। और अब इसमें डाल देंगे जो हम रेगुलर दूध गर्म करते हैं, इसमें हम क्रीम नहीं डालेंगे। जो रेगुलर दूध गर्म करते हैं उसी को हम ले लेंगे। और जो थोड़ी बहुत मलाई जो ऊपर आ जाती है वही डाल देंगे इसमें। आधा कटोरी लिया है मैंने। और अब पानी नहीं डालना कि जो पानी काम करता है वो दूध ने कर दिया, तो इसलिए हमें अब पानी का यूज़ नहीं करेंगे। और अब डाल देते हैं पनीर अच्छे से मिलाने के बाद। तो चलिए एक बार और अच्छे से मिला लेते हैं। और अब मैं गैस कर दूंगी बंद और ऊपर से डाल देंगे इसमें
कसूरी मेथी, ये भुनी हुई कसूरी मेथी है। तो चलिए एक बार और मिला देती हूँ। तो चलिए गर्मा गर्म हैदराबादी पनीर बनके हो गया तैयार। और अब हम लगा लेते हैं प्लेट। ये लीजिए, तो चलिए प्लेट में लगा लिया है मैंने, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। और ये मैंने रख दी है इसके ऊपर एक लाल मिर्च सजाने के लिए, और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें कसूरी मेथी, ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा धनिया, और ये डाल देंगे चिली ऑयल। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही सजा दीजिए। और लीजिए गर्मा गर्म हैदराबादी पनीर बनके हो गया तैयार। चाहे रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, ये सभी के साथ बहुत ही अच्छा